राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज का वीडियो बनने वाला है फुल टमाटर पे। और रही बात टमाटर के, कल हम लोग केरी तैयार किए थे, आज हम लोग आए हैं बुआई करने के लिए, क्योंकि कल ही शाम हो गया था और आज जस्ट हम लोग के अभी सुबह दोपहर हो रहा है। दोपहर में हम लोग काम करने आए, मशीन चालू है और गाछी भी कबड़ रहा है और हम लोग अभी यहाँ पर बुआई करेंगे। बुआई करने के साथ साथ कितना पौधा लग रहा है, कितने दूर में लगा रहे और कितने एरिया में लगा रहे, सारा चीज़ फुल डिटेल में बनेगा। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक बने हुए रहिए। आप हमारे चैनल में न्यू विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, खेती संबंधी वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि आप उसी थ्रू हमारा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो किसान साथियों, अभी हम लोग आए यहाँ पे नर्सरी में टमाटर की गाछी कबाने के लिए पौधे, यानी कि तो अभी पौधे हमारा हाइट देखिएगा आप सभी को, तो बोलिएगा कितना ज़्यादा हाइट क्यों हो गया पौधे का। तो क्योंकि 3-4 दिन लगातार बारिश हुआ था और ये हमारा पौधा पूरा साफ सुथरा तैयार है। पिछले कई वीडियो में मेरा पौधा खराब दिख रहा था, पर अब देखिए पूरा साफ सुथरा यहाँ पे देख सकते हैं। एक एक पौधा में ब्रांचेस, यहाँ तक फूल भी आ चुके हैं इसी में नर्सरी में। तो हम लोग फटाफट अभी कबाड़ते हैं। इधर मम्मी कबाड़ रही है, पानी इसमें डाले हैं क्योंकि जड़ में मिट्टी पकड़ा हुआ है और नमी रहेगा तब तो गाछ जल्दी मुरझाएगा नहीं। तो अभी फटाफट हम लोग कबाड़ते हैं पहले। अभी इतना हम लोग कबाड़ लिए, एक पथिया पूरा भरा हुआ है और यहाँ पे गंडारी में देखिएगा तो आधा गंडारी हम लोग कबाड़ दिया, आधा भी छोड़ रहे क्योंकि अभी देख लेते कितना मेरा गाछी लगता है और कितना नहीं लगता है। ज़्यादा कबाड़ के नहीं करना है क्योंकि अगले हो सके तो दूसरे बारी में लगाएंगे या तो फिर किसी को बेच देंगे। तो अभी फटाफट चलते इसको लेकर और लगाते हैं। तो किसान साथी, अभी हम लोग यहाँ पर टमाटर लगा रहे हैं और काफ़ी लेट हुआ क्योंकि मशीन का जो पैनल बोर्ड होता है वो ख़राब हो चुका था। तो अभी मशीन चालू किए, उधर से सिंचाई हो रहा प्लस इधर मम्मी लगाते हुए जा रही पौधों को। अब बात करेंगे केरी में पौधा लगाने का, तो एक केरी में 7 पौधा लग रहा टोटल काउंट करके और 6 मेरा पारी है। 6 पारी में 3680 पौधा लग रहा है यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे अभी देखते हैं कितना देर लगता लगाने में। इधर तो लग गया गैपिंग, आप देख सकते हैं कितना दूर दूर है, एक बीता से प्लस है गैपिंग, ठीक है। तो इतना गैप रख के करना क्योंकि टमाटर के भी पौधे में नए नए ब्रांच आते हैं यानी कि टहनी निकलते हैं, तो वो सारे टहनी जगह घेर लेंगे तो फिर फल उतना अच्छा से नहीं आएंगे। तो जो हवा लगने के लिए जगह होना जरूरी है। तो अभी फटाफट हम लोग भी जाकर लगाते हैं और फिर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो किसान साथियों, कंप्लीट यहाँ पे अभी काम होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है और उसके बाद उधर से पूरा लगाते हुए अभी आगे उधर जाके दिखाते हैं आप सभी को। तो किसान साथियों, मेरे पीछे आप सभी देख सकते हैं कि मेरा टमाटर का कंप्लीट बुआई हो गया, यानी कि रोपाई पहले सिंचाई के उसके बाद प्याज की तरह उसको डोपते गए। और यहाँ पे पौधे के काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 8 पौधे, मतलब 6 7 8 लगे हैं इस तरह पौधे लगाए हुए। और टोटल केरी की बात करेंगे तो टोटल केरी एक झोरा में, यानी कि एक लंबा झोरा में ये लंबे केरी इस तरह नाला कितना बन रहा है, 29 में 7 पौधे लग रहे हैं। अब पूरा केरी का बात करेंगे तो पूरा केरी 177 केरी पे तैयार हुआ था और उसमें पौधे की बात करेंगे तो 3680 पौधे लग रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट। तो इतना पौधा भी लगा हुआ है कंप्लीट यहाँ पे, अब देखिए कहीं हरा हरा नज़र आ रहा। अब एक सप्ताह बाद इसमें सभी तरह का ब्रांचेस इसमें आएंगे और सब पौधे में ब्रांच आ जाएंगे, तो यानी कि ये पूरा तरह से हरा भरा दिखना चालू हो जाएगा। अब मम्मी को वहाँ लास्ट कंप्लीट हो ही गया और गाछी भी बचा हुआ भी, तो कोशिश रहेगा इस साइड साफ करके ये पालक और धनिया हटा के जल्दी इधर भी बुआई करेंगे तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बात करें यहाँ डिसमिल में, तो डिसमिल में मेरा यहाँ 10 डिसमिल से प्लस में टमाटर का बुआई हुआ
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जानकारी के साथ, अच्छे से हार्वेस्टिंग या तो अच्छे से एक फसल में। आप हमारे चैनल में न्यू विजिट करते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए। इसी तरह गाछी में किसी तरह का कोई दाग नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।